TRS Clips Hindi India का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे स्मार्ट चैनल इन क्लिप से इन हाइलाइट्स से जल्दी जल्दी सीखते रहो। आपकी फैमिली लाइफ के बारे में कुछ बता दो। My family life is good यार मतलब uh, it's good from my side. How long have you been? They all felt always के यार उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं। <laughs> तो वो <और> तो भी <laughs> सच है। वो भी सच है। <laughs> अभी आप बहुत busy होने वाले हो। अभ

कोई ऐसे कुछ सवाल पूछने मैरिज के बारे में आपने क्या सीखा है मैरिज आई गेस इट वर्क्स एज एन एंकर इन योर लाइफ इमोशनल एंकर सोशल एंकर आई गेस एंड इट ऑल्सो वर्क सोर्स ऑफ एनर्जी एक तो ऐसा है ना मैरिज मतलब यू हैव पार्टनर विद यू सो so, ये एक कॉन्स्टेंट फील है टू बी नीडेड बाई समन ये कॉन्स्टेंट फील है टू बी लव्ड बाई समन एंड यू हैव समबडी यू नो एज अ सपोर्ट एज अ स्ट्रांग सपोर्ट नो मैटर वॉट बिकॉज दैट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में आपको जज नहीं करते एंड यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो बैक टू दैम एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डिसकस लाइक योर पेरेंट्स योर सिबलिंग्स योर प्रेसर्स योर प्रेशर्स तो आप आप प्रेशर नहीं लेते बट आम इंसान हाँ मतलब प्रेशर आई आई डोंट नो प्रेशर तो क्या होता है बियॉन्ड अ पॉइंट कभी लगता है कि वो जो आंसरेबिलिटी है ना एक मतलब यू आंसरेबल टू योर योर स्पाउस दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग जैसे कि मतलब आपको जवाब देना है किसी को ओके okay. वो, वो, बहुत तरीके से वो आपको ग्राउंडेड भी रखता है hmm. वो आपको सेन भी रखता है आपको फिर ये क्यों लगता है कि हम स्पेशली शहरों में हम डिवोसेज ज़्यादा क्यों देख रहे हैं यू बिन मैरिड फॉर अ वन ट्वेल्व ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स एंड आपकी रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व होती है ट्वेल्व ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम फ्राम माई परस्पेक्टिव ट्वेल्व ईयर्स एंड टेंटैंडर्ड में मैं आपको ये सारे सवाल मेरे ही परस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ सो डोंट माइंड द वन दाइड बट ओवर ट्वेल्व ईयर्स रिलेशनशिप्स बदलते कैसे और एक्चुअली आपके पार्टनर ने आपको जो आपने कहा कि स्टेबिलिटी मिलती है तो ऐसे कुछ इंसिडेंट या मोमेंट्स शेयर कर सकते हो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं यार मतलब आप देखो ना मैं बॉम्बे में आके 2004 में आया 2014 में मैंने घर लिया मी माय वाइफ माय ब्रदर माय फादर मदर हम लोग सब साथ में ही रहते हैं मैंने 2014 में घर लिया इतना बड़ा लोन लिया व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी तब मैंने जॉब छोड़ दी 2016. तो इस टाइप के वेक डिसीजंस लेते टाइम वेयर डू यू गो फॉर दैट अश्योरेंस कि सब ठीक है सब ठीक ही होगा कहां से आता होगा ये ये मुझे नहीं सी इट्स वेरी डिफिकल्ट और मे बी इट्स वेरी इजी टू से हाँ मैंने सोचा मैंने कर लिया इट्स नॉट यू ओनली इट्स यू एंड योर सराउंडिंग दैट पुशीज यू टू डू दिस थिंग्स

आप दो अल, दो आदमी अलग ही होते हैं और अलग ही होने चाहिए बट वी एज ह्यूमन बींगस हमें चाहिए कि यार उसने मेरी तरह नहीं सोचा मैंने उसकी तरह नहीं सोचा तो उसको प्रॉब्लम है hmm. तो ये एक इंटरेस्टिंग आई गेस धीरे 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 मुझे लगता है वो एक लेवल पे एक्सेप्टेंस भी आ जाती है।, hmm, वो ही है।, ही है वो ऐसा ही है। <laughs> वो एक्सेप्टेंस आने के बाद और मजा आने लगता है बिकॉज देन यू एक्सप्लोर समथिंग एल्स बियॉन्ड दैट कि अब चलो वो टेंशन चला गया कि ये क्या सोच रहा है वो क्या सोच रही है क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी की भी बातें करी मैरिज में कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है आपको लगता है कि मैरिज की वजह से आपका लक बदल जाता है या आपके आ, बच्चे होने के बाद कोई चीज़ बदल जाती है आपके आई यार सी एवरी ह्यूमन बीइंग कम्स विथ सम एनर्जी इन योर लाइफ बी इट योर कलीग बी इट योर स्पाउस इट योर किड एनी बड़ी सो एनर्जी जो है ना वो दस एनर्जी स्टार्ट्स वर्किंग टूगेदर एंड दट्स वैन वी फील दैट लक इज चेंजिंग और थिंग्स आर चेंजिंग अराउंड मी